1980 के शुरुआत में थाईलैंड के बांकाई के एक अमीर मार्केट ओनर अपने घर के फिश टैंक को देख रहा था। वो चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसकी फिश टैंक की मछलियां परेशान लग रही थी। वजह था, उस फिश टैंक में 15 साल की नॉन प्रांग बनांग नाम की लड़की को बंद कर दिया गया था। उस लड़की ने उस घर के मालिक के एक फिश टैंक को तोड़ा था। थोड़े ही समय बाद लड़की मर जाती है और उसके शरीर को फिश टैंक से निकाल कर टुकड़े करके वाट ट्राया क्राई के पास दिखाने लगाया जाता है। लाश के टुकड़े बरामद होते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पता चला कि मार्केट के ओनर चालम चाय वोंग विजित ने अपने जीजा के साथ मिलकर नॉन प्रांग की कत्ल की थी। शायद सबूत के अभाव की वजह से ओंग विजित रिहा हो जाता है, लेकिन रिहा होने के कुछ ही समय बाद उसका किसी ने गोली मारकर हत्या कर दिया। अब उड़ती उड़ती खबर ये थी कि ओंग विजित की पत्नी ने ही उसका सुपारी दी थी और पत्नी तो अपनी बेटी को लेकर थाईलैंड छोड़कर भाग जाती है और फिर कभी वो देश नहीं लौटी। चालम चाय ओंग विजित का बेटा अपिचाय ओंग सवित परिवार का संपत्ति का वारिस बन जाता है और फास्ट फॉरवर्ड 2021 में अपिचाय दुनिया भर के न्यूज चैनल्स में हेडलाइन बन गया था। वजह था, उसके प्रॉपर्टी में 300 से ज्यादा हड्डियां मिली, इंसानी हड्डियां। ये है आइस मेटल कैस्केट केस। चलिए जानते हैं खूनी का बेटा बना सीरियल किलर की कहानी शुरू होती है 2021 के दिसंबर महीने के शुरुआत में। 40 साल के चालम चौन नॉकबुआ को ड्रग्स के चार्जेस में थाईलैंड पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और चालम चौन अपिचाय के प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। सिक्योरिटी गार्ड ने ड्रग्स के चार्जेस में कम सजा के बदले पुलिस को एक राज बताने का ऑफर देता है। वो कहता है कि 2012 में वो और अपिचाय ड्रग्स के चार्जेस में एक साथ सजा काटे थे और जेल में दोस्ती हुई थी और रिहा होने के बाद अपिचाय ने चालम चौन को अपने प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी। जब वो वहाँ नौकरी कर रहा था तब उसने देखा कि अपिचाय ने एक लड़की को लोहे के सलिए से पीटा, फिर उस लड़की को लोहे के ताबूत में बंद कर दिया। लड़की के चीखे दबाने के लिए घर में तेज आवाज में म्यूजिक चलाया। गार्ड ने कहा कि उसने कत्ल होते हुए देखा और अगर उसे कम सजा देने का वादा मिलता है तो वो अपने मालिक के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा। उस लड़की का नाम था वारिंगटन चयाचे। पुलिस को यह नाम सुना सुना सा लग रहा था। जांच में पता चला कि 22 साल की बार डांसर वारिंगटन चयाचे कुछ ही समय पहले पुलिस के पास एक रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी और अपने रिपोर्ट में कहा था कि उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया है। जब पुलिस ने फॉलो अप के लिए वारिंगटन को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो लग रहा था जैसे वो हवा हो गई हो और पुलिस को पता चला कि वारिंगटन के परिवार ने उसका मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाया है। वारिंग बलात्कार के रिपोर्ट करवाने के कुछ ही समय बाद गायब हो गई थी। यहाँ गार्ड कह रहा था कि उसके मालिक ने वारिंग का कत्ल किया है। गार्ड के स्टेटमेंट से पुलिस ने रहीस अपचाय के बांकाय एस्टेट के लिए सर्च वारंट निकलवाया और सर्च के कुछ ही समय में वारिंगटन का लाश को लोकेट किया। उसे एक मेटल गेट के नीचे एक स्टील बॉक्स में दफन किया गया था। उसके लाश को प्लास्टिक से लपेट कर स्टील बॉक्स में रखा गया था और वारिंग की पीठ पर बनी मछली की टैटू से उसकी पहचान हुई। वारिंग के लाश के पास ही एक और इंसान के कंकाल बरामद हुआ। उसे कपड़े में लपेटकर डंबल और चेन से बांधा गया था। अपिचाय को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने कबूला कि वारिंग उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो वारिंग से जलता था। उसे डर था कि वारिंग उसे छोड़कर चली जाएगी तो उसने उस रात को वारिंग को मेटल के ताबूत में बंद कर दिया। जब सुबह हुई तो उसने ताबूत खोला तो उसे पता चला कि वारिंग की दम घुटने से मौत हो गई है। अपिचाय ने वारिंग की लाश को प्लास्टिक में लपेटा और अपनी जमीन में गाड़ दिया। पुलिस को यकीन था कि यह अपिचाय की पहली शिकार नहीं है और अपिचाय अपने शिकारों को टॉर्चर करने के लिए मेटल के ताबूत में डालता था, फिर उनके लाशों को टिकाने लगाता था। जब यह न्यूज बाहर निकला तो आम लोगों ने इस खूनी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि अपिचाय ने और कत्ल किए होंगे। वैसे भी अपिचाय कोई आम शरीफ बिजनेसमैन तो था ही नहीं, वो काफी बार गैर कानूनी पिस्तौल रखने और ड्रग्स के केसेस में जेल जा चुका था। 2011 में 12 साल की एक बच्ची जो अक्सर अपिचाय के एस्टेट के आसपास खेला करती थी वो गायब हो गई थी और परिवार के लाखों के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने लगती है और अपिचाय के सोयफेट कासिम प्रॉपर्टी का सर्च वारंट निकलवाती है। उस प्रॉपर्टी में स्थित एक तालाब से करीब 300 इंसानी हड्डियां बरामद हुई। पुलिस ने इलाके से गुमशुदा हुई सारी लड़कियों का, जिनका उम्र 15 से 18 साल के बीच की है, उन सब की रिपोर्ट्स कंगालना शुरू कर दिया ताकि इन 300 हड्डियों का पहचान हो सके। पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने अपिचाय को इस तालाब में रे फिंड एलिगेटर गार्स प्रजाति के मछलियों को भरते हुए देखा था और पड़ोसियों का मानना था कि अपिचाय ने अपनी शिकार लड़कियों के शरीर को इन्हीं मछलियों को खिलाया होगा। हालांकि पुलिस ने बताया कि उन्हें उस तालाब में ऐसी कोई मछली नहीं मिली, बल्कि उन्हें 300 हड्डियां मिली जो कम से कम 3 लड़कियों का हो सकता है। अपिचाय को थाई मीडिया आइस कैस्केट किलर के नाम से बुलाने लगी। 23 जनवरी को तलाश के दौरान एक ताबूत में कुछ हड्डियां और बरामद हुई। जनवरी 2021 में अपिचाय को टोनबुरी क्रिमिनल कोर्ट ने आजीवन कारावास का सजा सुनाया। तालाब में मिली हड्डियों का जांच चल रहा है और पुलिस पीड़ित लड़कियों का पहचान करने में लगी हुई है। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।